हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आपके शरीर में बहुत इचिंग हो रही है, स्किन में बहुत ड्राई इचिंग है और आपके पित्त बड़े हुए हैं, उस कारण से आपके स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा रैशेस आ रहे हैं, दतौरे के प्रॉब्लम है, रैशेस आ रहे हैं, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ड्यू टू इंक्रीज़ ऑफ योर बाइल, अगर आपके बॉडी में बाइल का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया है। तो ये सारी बातें आज हम बात करेंगे, इसके सॉल्यूशंस थ्रू होम्योपैथी निकालेंगे, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है और आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो इसका मेन कारण रहता है कि आपको फूड एलर्जी है। सो अगर आपको फूड एलर्जी है तो उसके कारण से आपकी लिवर आप देखेंगे धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, जैसे फैटी लिवर आप देखेंगे। अगर आप USG करवाएंगे तो आप रिपोर्ट्स में देखेंगे कि आपको फैटी लिवर है, साथ ही अगर कुछ रिपोर्ट्स ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपकी OTPT बढ़ी हो जाएगी, वो 60 to 120 के अराउंड बढ़ी रहती है, बिलीरुबिन इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 के ऊपर रहेगा या 0.895 या 95 ऐसा कुछ में आता है रिपोर्ट्स में। सो ये कारण के वजह से आपके स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ड्राई इचिंग, बहुत सालों से आप इससे परेशान रहते हैं खुजली से, और आप देखेंगे कि रैशेस आने लगेंगे, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम रहती है। सो ये सारी प्रॉब्लम रहती है। सो मेन कॉज क्या रहती है अर्टिकेरिया की, फर्स्ट तो कॉज रहती है अननोन कॉज रहती है, सेकेंड ऑटो इम्यून रहती है, थर्ड कॉज रहती है अगर आपको फूड एलर्जी रहेगी तो उसके वजह से अर्टिकेरिया की आपको प्रॉब्लम्स बनी हुई रहती है। सो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जिससे आपकी सिम्टम्स साइंस रिलीफ होंगे, बहुत सालों से आप जो खुजली से परेशान हैं, ड्राई इचिंग होती रहती है, उससे आप बहुत ज़्यादा छुटकारा पा जाएंगे। आप मोस्टली देखेंगे कि बहुत से पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स बनी हुई रहती है, ड्राई इचिंग की, ऐसे लाल हो जाते हैं, एक सूखी खुजली बनी हुई रहती है, और जब हम टेस्ट करवाते हैं देखते हैं तो या वो रीज़न फूड एलर्जी के वजह से रहता है, और अगर रिपोर्ट्स करवाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी लिवर फैटी लिवर हुई रहती है और उनके शरीर में बिलीरुबिन्स बढ़े हुए रहते हैं। सो ये जो खुजली हुई रहती है वो आपको लगातार बनी हुई रहती है, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आपको इचिंग हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, और ये खुजली आपकी रात में शाम में इंक्रीज़ हो जाती है। हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा, लेकिन ये कोई एक सिंगल मेडिसिन से क्लियर होने वाली नहीं है, ये कुछ मेडिसिन है आपको यूज़ करना होगा आपके प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेगी। सो पहले मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस बहुत अच्छी मेडिसिन है अर्टिकेरिया के लिए, केरल रैश के लिए, दतौरे के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव करती है, साथ ही जो आपके बाइल इंक्रीज रहते हैं उसको भी ये कम करती है। सो आपको अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर में यूज़ करना है। सेकेंड मेडिसिन है चेलिडोनियम मदर टिंचर में आपको यूज़ करना है, बहुत अच्छी मेडिसिन है लिवर के लिए, फैटी लिवर के लिए, अगर आपकी SGOT काउंट बढ़े हुए हैं उसके लिए, और साथ ही बिलीरुबिन काउंट इंक्रीज़ हुआ रहेगा तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है लिवर के लिए। सो आपको चेलिडोनियम मदर टिंचर में यूज़ करना। सो सेकेंड मेडिसिन है एस्टिकस फ्लैविलिटिस, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत शानदार मेडिसिन है, खासकर अर्टिकेरिया के लिए, और स्पेशली अगर अर्टिकेरिया की आपको प्रॉब्लम है, लिवर की वजह से बाइल ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आपके शरीर में, उसके वजह से अगर आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा खुजली है और आप अनकंट्रोलेबल हैं, अनबेरेबल है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये आपको 30 potency में यूज़ करना है, 2 drops दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। थर्ड मेडिसिन है डॉलिकस बहुत अच्छी मेडिसिन है, खासकर अगर आपके शरीर में बहुत इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम, जॉन्डिस में भी इचिंग होने की प्रॉब्लम्स बनी हुई रहती है और आपके लिवर में प्रॉब्लम है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है और आपके बिलीरुबिन भी काउंट बहुत इंक्रीज हुए हैं, तो डॉलिकॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आप इसे भी 30 potency में यूज़ करिए, 2 drops लेकिन दिन में 2 बार यूज़ करिए, सुबह यूज़ करिए और रात करिए। सो ये सारी मेडिसिन है ड्राई इचिंग के लिए, अर्टिकेरिया की जिसको प्रॉब्लम है तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन आप रीड आउट करें, पढ़ें और फिर आप इसे यूज़ करिए, ये मेडिसिन कुछ दिन तक आप यूज़ करें, 15 to 20 days आप इसे लीजिए, अगर आपके प्रॉब्लम्स में इफेक्टिवनेस है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि सालों से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये मेडिसिन लेने के बाद आपको कुछ सिम्टम्स रिलीफ मिल रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्लियर हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन को आप 3 to 4 months कंटिन्यू करें, आपके प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। सो प्लीज़ गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।